आज मैं आपको टक्स वाला सूट बनाना सिखा रही हूँ। इसे बनाना बहुत आसान है, बस आपको वीडियो अच्छे से देखना है और समझना है कि सिंपल सूट से टक्स वाले सूट में कितना चेंज किया जाता है, फिर आप इसे बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए टक्स वाला सूट बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सूट बनाने के लिए मैंने इसका पूरा सेट लिया है। इसका सूट बनेगा और ये इसकी चुन्नी है और ये इसकी सलवार का कपड़ा है। इस सूट में जो सलवार का कपड़ा निकला है इसी से मैं आपको पटियाला बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि आप लोगों की बहुत सारी कमेंट आ रही है कि सूट में कम कपड़ा निकलता है तो इसमें कैसे पटियाला बनाएं। तो इसलिए अगली वीडियो में मैं आपको आपकी पसंद का पटियाला बनाना सिखाऊंगी, जिससे आप आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो इसके लिए आप अपनी बेल बटन को ऑन रखिए, जिससे जैसे ही नई वीडियो अपलोड होगी और आपके पास पहुंच जाएगी। तो अब हम टक्स वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमने फैला दिया है, ये कपड़े की लंबाई है और ये कपड़े की चौड़ाई है। तो सबसे पहले आपको लंबाई की साइड से कपड़े को चेक करना है कि कपड़ा हमारा कितने साइज का है, मतलब आपके पास 2 मीटर कपड़ा है या 2.5 मीटर कपड़ा है, इसका पहले आप क्लियर पता कर लीजिए। कटिंग करने से पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि आपके पास कितना कपड़ा है, क्योंकि उसी के हिसाब से कटिंग होगी। इधर से इंची टेप को रखना है और इस तरह चेक करना है। 40 इंच के पास हो गया हमारा 2 मीटर कपड़ा, तो ये हो गया है 2 मीटर और यहाँ पर हो गया ये 2.25 मीटर और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ठीक है, मतलब 2.5 मीटर में कम है। कपड़े को नापने के बाद अब आपको चेक करना है कि कपड़े के डिजाइन का लुक किस साइड को जा रहा है। जैसे इसका लुक जा रहा है ऊपर की साइड को, तो इसकी कटिंग होगी अर्ज की साइड से। इस कपड़े को पकड़ना है और इसको पलट देना है। तो अब हमने इसको उल्टा रख दिया है। इसका प्रिंट दोनों साइड एक जैसा है, तो आपको चेक करना है अपने कपड़े में उल्टे और सीधे का फर्क। सूट की साइज के हिसाब से कपड़े को आपको डबल में रख देना है और जैसे हम नॉर्मल सूट के निशान लगाते हैं पहले आपको वैसे ही निशान लगाना है। तो सबसे पहले निशान लगा लीजिए तुरपाई मार्जिन का, ये 1.5 इंच ले लिया नीचे का मार्जिन, ये निशान हो गया मार्जिन का। उसके बाद अब आपको निशान लगाना है इसी निशान से अपनी लंबाई का, जितने साइज का आप सूट बना रहे हैं उसका निशान लगा लीजिए। तो जैसे इस सूट को बनाना है 40 का तैयार करना है, लेकिन ये प्लेट वाला सूट है तो इसमें 1/2 इंच और एक्स्ट्रा बढ़ाया जाएगा, तो इसका निशान पूरा हम 41 इंच का लगा देते हैं। तो इसमें हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाया है, नॉर्मल सूट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा, इसका आपको ध्यान देते जाना है। तो अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में 1/2 इंच का मार्जिन लेते हैं, लेकिन इसमें मार्जिन लिया है 1 इंच का, क्योंकि यहाँ पे जब प्लेट बनेगी तो ये 1/2 इंच छोटा हो जाएगा, इसलिए आपको पहले से ही मार्जिन बढ़ाकर रखना है। तो उसके बाद आपको निशान लगाना है शोल्डर का। तो यहाँ पे शोल्डर जो भी आपकी साइज आती है उसका हाफ रख लीजिए। जैसे इसका शोल्डर आ रहा है 11.5 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 6.25 इंच, 6.25 इंच पर निशान लगा दिया है। उसके बाद ये हो जाएगा मार्जिन का। अब आपको निशान लगाना है आर्म होल की साइज का, तो आर्म होल का निशान लगाएंगे इसका 6.5 इंच का। तो ये निशान लगा दिया हमने 6.5 इंच पर। उसके बाद अब आपको लंबाई में निशान लगाना है, इसी तरह इंची टेप को रखते जाइए। तो जैसे इसका टक्स का निशान आ रहा है 10.5 इंच पर, तो ये निशान लगाएंगे हम 11 इंच पर, 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन का। उसके बाद अब निशान लगाना है कमर की साइज का, तो जैसे कमर का निशान आ रहा है 15 इंच पर, तो इस तरह आप 15.5 पे निशान लगाते जाइए। 1/2 इंच मार्जिन का भी ध्यान रखिए। और हिप साइज का निशान लगा दिया है 21.5 इंच पर, तो ये 21 इंच पर आ जाएगा। तो इस तरह इन निशानों को आप सीधा कर देते हैं। तो इस तरह आप नॉर्मल सूट की तरह पहले इसमें निशान लगा दीजिए। उसके बाद अब आपको यहाँ पर इसको सीधा करना है। तो आर्म होल के निशान को सीधा कर लीजिए, ये हो गया आर्म होल का निशान सीधा। अब आपको यहाँ पर निशान लगाना है सीना के ऊपरी भाग का, जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग का यहाँ पे निशान लगा दीजिए। जैसे इसकी साइज आ रही है 38 इंच, तो 38 का चौथाई भाग आएगा 9.5 इंच, तो ये निशान लगा दिया हमने 9.5 इंच पर। तो ये जो टक्स वाली लाइन है इस पे निशान लगाना है आपको सीना की फुल साइज का,
जो भी साइज आती है उसका चौथाई भाग का यहाँ पे निशान लगा दीजिए। तो जैसे इसकी साइज आ रही है 40 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 10 इंच पर। तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच पर। उसके बाद अब आपको यहाँ पे निशान लगाना है कमर की साइज का। जैसे इसकी कमर की साइज आ रही है 34 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे निशान लगाना है आपको हिप साइज का चौथाई भाग। जैसे इसकी साइज आ रही है 41 इंच, तो उसका चौथाई भाग आएगा 10 इंच 2 पॉइंट। तो ये निशान लगा दिया हमने 10 इंच 2 पॉइंट पर। तो इस तरह हमने निशान लगा दिए है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने सूट से नाप लिया है तो इन निशानों को बस आपको मिलाना है, और अगर आपने बॉडी से नाप लिया है और ये नाप आपका बॉडी से आ रहा है तो इसमें आपको लूजिंग बढ़ाना है। तो यहाँ पर आधा आधा इंच की लूजिंग बढ़ेगी, तो 4 पॉइंट की लूजिंग हम यहाँ पर बढ़ा देंगे तो इस पूरे सूट में 2 इंच की लूजिंग आ जाएगी, और 4 पॉइंट की लूजिंग हम इधर बढ़ा देंगे, और कमर की साइज बढ़ाएंगे 1 इंच की लूजिंग। तो ये प्लेट से बिल्कुल फिटिंग में आ जाएगा, और यहाँ पर भी आधा इंच की लूजिंग। अब इन निशानों को इस तरह मिला दीजिए। बस इन निशानों को आपको मिलाते जाना है, यहाँ पर गुलाई देते हुए इसको मिला दीजिए। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 15 तरह की ड्रेसें बनाना सिखाऊंगी, जैसे ब्लाउज, सूट, सलवार, पैजामी, कुर्ती, अलग अलग तरह की गर्ल्स की टॉप और कटोरी ब्लाउज, ये सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग से बनाना सिखाया जाएगा, और आप जल्दी ही आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल टाइम देती हूँ। जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, फिर आप सिलाई करते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, जिससे आपकी सिलाई करते समय जो भी मिस्टेक होती हैं उनको मैं सुधारने में मदद करूँगी। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से सिलाई सीख रहे हैं लेकिन उनसे अभी तक अच्छी ड्रेसें नहीं बन रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और ड्रेस बनाते समय आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने में मैं आपकी मदद करूँगी। तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, फिर आप ड्रेस बनाते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं, और मैं आपकी व्हाट्सअप पर हेल्प करूँगी, जिससे आप बिल्कुल फिटिंग से और परफेक्ट ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है। जैसा आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे, अपने परिवार के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे, और अपने कस्टमर के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और जो हिप साइज आती है उसी के हिसाब से आपको पार्ट निकालना है। जैसे ये आ रही है 11.5 इंच, तो यहाँ पे रख देंगे हम 11.5 इंच। तो बस आपको इसी निशान से पार्ट का निशान सीधा कर देना है। अब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है, ये रहेगा आपका सिलाई मार्जिन। तो 1.5 इंच का यहाँ पर मार्जिन बढ़ा लीजिए, और इस तरह बढ़ाते जाइए और इसको सीधा कर दीजिए, ये हो जाएगा मार्जिन आपका। अब आपको आर्म होल में गुलाई देना है, जैसे हर सूट में देते हैं वैसे ही आप यहाँ पर गुलाई दे दीजिए। ये हो गई है आर्म होल में गुलाई। अब गले की साइज का निशान लगाना है, तो 2.5 इंच पर निशान लगा दिया है गले की साइज का, और इधर से निशान लगा दिया 6.5 इंच का, और 2.5 इंच इधर। इस निशान को सीधा करने के बाद अब आपको गले में गुलाई करना है। गले में गुलाई करने के बाद अब आपको शोल्डर थोड़ा सा तिरछा करना है, 2 पॉइंट का यहाँ पे तिरछा कर दीजिए। तो इस तरह आपको निशान लगाना है। अब मैं आपको बता रही हूँ टक्स के निशान लगाना, तो यहाँ पे अब आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। तो यहाँ पे निशान लगाएंगे 4 इंच पर, और इधर भी निशान लगाना है आपको 4 इंच पर। एक निशान लगेगा इस कमर के निशान से 2 इंच नीचे की साइड, ये प्लेट आपकी इधर तक आएगी। आप किसी भी साइज का बनाएं,
आपको बस ध्यान देना है कि कमर के नीचे आपको 2 इंच पर निशान लगाना है, जिससे आपकी प्लेट की लंबाई बढ़ जाएगी और इस निशान को सीधा करना है। जब यहाँ से इसकी दूरी 4 इंच की रखेंगे तो ये 3.5 में तैयार होगी। तो जैसे इसकी पूरी लंबाई आ रही है 6.5 इंच, तो उसका हाफ कर लीजिए, तो इसका हाफ आ रहा है 3 इंच 2 पॉइंट और यहाँ पे निशान लगा दीजिए। अब आपको जो प्लेट बनाना है वो 1 इंच की बनाना है, क्योंकि यहाँ पे आपने जो मार्जिन लिया है उसको यहाँ पर खत्म करना है। तो यहाँ पे निशान लगा दिए हमने 1 इंच की चौड़ाई का, क्योंकि ये प्लेट हमारी 1 इंच की बनेगी। यहाँ पे हमने जो 1 इंच का मार्जिन लिया है प्लेट के लिए, उसी मार्जिन को आपको इधर रख देना है, जिससे आपकी ये प्लेट कंप्लीट हो जाएगी। और इस तरह मिला दीजिए। इस तरह आपकी ये प्लेट बनेगी। अब दूसरा निशान लगाना है आपको इस प्लेट से 2 इंच की दूरी पर, तो इस तरह इंची टेप को रखना है और यहाँ पे निशान लगा देना है। अब आपको इस निशान को मिलाना है इस तरह कमर से कम 2 इंच की दूरी तक, इस तरह मिला दीजिए। तो एक प्लेट आपकी ये बन जाएगी। अब आपको इसी निशान से 3 इंच दूरी पर आपको तीसरी प्लेट बनाना है, तो इस तरह निशान इधर लगा दीजिए। जहां से गुलाई जाती है बस उधर ही आपको प्लेट खत्म करना है। तो इस तरह आपकी ये 3 प्लेटें बन जाएंगी। अब आपको मैं यहाँ पर समझा देती हूँ, जो हमने यहाँ पर जो 2 इंच की लूजिंग ली है पूरे सूट में, वो आपकी 1 इंच की लूजिंग इस प्लेट में खत्म हो जाएगी और 1 इंच की आपकी लूजिंग रहेगी, जो आपको पहनने में आरामदायक रहेगा। और यहाँ पे जो 2 इंच की लूजिंग है वो इस प्लेट से थोड़ी कम हो जाएगी और इस प्लेट की नोक से कम हो जाएगी, तो मतलब ये पूरा फिटिंग में आ जाता है और कहीं पर आपका ये फूलेगा नहीं। इस तरह प्लेट वाला सूट बहुत अच्छा फिटिंग से बनता है। तो इस तरह हमने सारे सूट के कंप्लीट निशान लगा लिए हैं। बस अब आपको इसी निशान के ऊपर कटिंग करते जाना है। अब यहाँ पे कट लगा दीजिए, एक कट यहाँ पे लगा दीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि सिलाई आपको इधर से ही इसी के ऊपर चलाना है। इस तरह टक्स वाले सूट की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल सूट से इसमें कितना चेंज किया जाता है। जब हम सिंपल सूट बनाते हैं तो उसमें निशान लगाते हैं सीना की फुल साइज का, और फिर लगाते हैं कमर का निशान, और तीसरा निशान लगाते हैं हिप साइज का। उसमें प्लेट वाला निशान नहीं लगाते, क्योंकि जब प्लेट नहीं बनाते हैं तो इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो इस तरह टक्स वाले सूट के आगे की पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हमें इसको उठाना है और पीछे की पार्ट की कटिंग करना है। तो इस कपड़े को हमने डबल में रख दिया है। अब इसके ऊपर आपको आगे के पार्ट को रखना है। अच्छे से मिला लीजिए और आगे का पार्ट इसके ऊपर रख दीजिए। तो आपको नीचे से अच्छे से मिलाकर रखना है, इस तरह बराबर से निशान लगा लीजिए और कट के पास आप इस तरह निशान बना दीजिए। और फिर आपको क्या करना है कि इस प्लेट को इस तरह पकड़ना है, 1/2 इंच कपड़े को दबा लीजिए, उसके बाद यहाँ पर निशान लगाइए। ठीक है, जब ये दोनों पार्ट एक से मिलेंगे, जब आप यहाँ पर इस तरह फोल्ड कर देंगे तभी ये दोनों बराबर से आएंगे, उसके बाद यहाँ पे निशान लगा लीजिए और 1/2 इंच पीछे के आर्म होल को बढ़ाते हुए आप इस तरह बनाते जाइए। और एक गले का निशान लग गया। अब अगर आप पीछे के गले को बड़ा करना चाहते हैं तो आप लंबाई को बढ़ा सकते हैं। जैसे अगर आप पीछे का गला 1 इंच बढ़ाना चाहते हैं या 2 इंच बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह इंची टेप को रखिए और पीछे की साइड निशान लगा लीजिए और इसको पलट दीजिए। अब यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगाइए, यहाँ से भी आपको 2.5 इंच रखना है और इसको मिला देना है, उसके बाद इसमें गुलाई कर दीजिए। इस तरह गले में गुलाई बना दी है।
उसके बाद अब आपको सेम निशान पर कटिंग करते जाना है। अब यहाँ पर कट लगा दीजिए जिससे दोनों पार्टी आसानी से मिल जाएंगे। तो इस तरह हमने दोनों पार्ट की कटिंग कर दी है। जब यहाँ पर ये प्लेट बन जाएगी तो ये दोनों पार्ट आसानी से आपके मिल जाएंगे। उसके बाद अब हमें आस्तीन निकालना है, तो इसको रख देते हैं और आस्तीन निकालेंगे। तो ये बचे हुए कपड़े को आपको सिरे में फैलाना है और फिर उसको उल्टा करना है। उल्टा कर लीजिए, कपड़े को इस तरह हमने उल्टा कर दिया है। अब आपको क्या करना है कि इसको चार लेयर में रखना है। इसको चार लेयर में कर दिया जिससे दोनों आस्तीनों की कटिंग एक साथ हो जाएगी, और अच्छे से मिला लीजिए। तो कपड़े को हमने चार लेयर में रख दिया है, अच्छे से मिला लीजिए और उसके बाद कपड़े को सीधा कीजिए। अगर आपको लगता है कि कपड़ा टेढ़ा है तो उसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लीजिए। अब जैसे आस्तीन की जो भी आपकी लंबाई है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे इसकी लंबाई रखना है मुझे 20 इंच, तो ये निशान लग गया 20 इंच पर और ये हो जाएगा इसका मार्जिन। उसके बाद दूसरा निशान लगाएंगे 2.5 इंच नीचे और तीसरा निशान लगाएंगे मोहरी की साइज का। जैसे मोहरी है इसकी 10 इंच तो उसका हाफ रखेंगे यहाँ पर 5 इंच और 1.5 इंच का रखेंगे यहाँ पर मार्जिन। उसके बाद इस निशान को सीधा कीजिए और यहाँ पे जो भी आपके आर्म होल की साइज है उससे आधा इंच यहाँ पर बढ़ा दीजिए। या फिर मैं आपको एक वीडियो में बताई हूँ कि अपनी गुलाई को चेक कीजिए और जितनी भी आपकी गुलाई आती है जहाँ पर वहाँ पर ये निशान लगा लीजिए और इस तरह मिला दीजिए और यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ा लीजिए। अब आपको इन निशानों को मिला देना है। तो इस निशान को आपको आर्म होल से आधा इंच ज्यादा बढ़ाना है या फिर आपकी जो भी आस्तीन की गुलाई है उसको यहाँ पे चेक कर लीजिए और इस निशान को इससे मिला दीजिए और इसी निशान पे कटिंग कर दीजिए। तो इस तरह आपको आस्तीन की कटिंग करना है। उसके बाद आपको इसको फैला के रखना है और एक साइड इसमें गहराई देना है। तो जैसे हम नॉर्मल सूट में गहराई देते हैं वैसे ही आपको इसमें गहराई करना है और इस तरह इससे मिला दीजिए। इस तरह हमारी आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हमें गले के लिए कुछ पट्टियां निकालना है। गले की पट्टी निकालने के लिए इस कपड़े को हमने उल्टा रख दिया है। अब आपको दोनों गले के पीस उठाना है, जो आपके कटे हुए पीस है उसको इसके ऊपर रख दीजिए। इस तरह बराबर मिलाकर रखिए और सेम निशान लगाते जाइए। और यहाँ पर आप 1 इंच की चौड़ाई रखिए और फिर एक निशान बना लीजिए और इस तरह गले को घेरते जाइए। तो इस तरह निशान लगाना है और सेम इसकी कटिंग करना है। तो इसी तरह आपको दोनों गले की पट्टियां निकालना है। आइडिया सेम रहेगा, इसको रखिए और सेम निशान बना लीजिए और फिर दूसरा निशान आपको 1 इंच की दूरी से बना देना है और सेम पट्टी निकाल लेना है। तो इस तरह हमने दोनों गले की पट्टियां निकाल ली हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि सूट में से कितना कपड़ा बचा है। तो सूट कटिंग करने के बाद इतना कपड़ा हमारा बच गया है। अगर आपका कपड़ा बच जाता है तो इस बचे हुए कपड़े को आप पटियाला में यूज कर सकते हैं, उसका बेल्ट बना सकते हैं और जितना भी आपका पटियाला का कपड़ा रहता है उससे पूरा घेरा आ जाएगा। तो इस तरह आप बचे हुए कपड़े को यूज कर सकते हैं। अब इसमें से हमें थोड़ा सा 2 इंच चौड़ा कपड़ा निकालना है जिससे आस्तीन की पट्टियों में उसे ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने पटियाला के कपड़े को फैला लिया है, उसमें से आस्तीन में लगाने के लिए एक 2 इंच चौड़ी पट्टी निकाल लेती हूँ।
सीधे कपड़े को काट के निकाल देंगे। तो इस तरह हमने इसकी दो पट्टियां बना दी हैं। तो ये दोनों पट्टियां हो जाएंगी आस्तीन के लिए। इस तरह हमारी कटिंग पूरी हुई है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह हमारे टक्स वाले सूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।